नहीं भाई, एक सीन हो गया, इंसिडेंट हो गया थोड़ा सा मेरे साथ। चलो कोई नहीं, होता रहता है यार। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में, विक्की सिन्हा ब्लॉग्स में। तो आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने, जो कि मेजर सर्विस है। आप देख सकते हैं इसमें 15,725 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। तो इसमें आपका जो है इंजन ऑयल वगैरह भी चेंज होगा। तो हम चलते हैं सीधा शोरूम। तो हम जा रहे हैं आज अपनी गाड़ी सर्विस करवाने टाटा टिगोर सेक्टर 18। तो ये थर्ड सर्विस है इसकी, पेड सर्विस होगी। ये 15,000 पे होनी थी, बट ये 15,725 किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक तो। तो भाई अब देखो कैसा रहता है सर्विस एक्सपीरियंस। अभी तक तो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार रहा, उसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, लड़ाई वड़ाई हो गई थी थोड़ी। बट सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस जो था वो थोड़ा सा बेटर था कह सकते हो। बाकी देखो थर्ड सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, फिर हम आगे की वीडियो में आपको बताते हैं, शेयर करेंगे। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो मुझको। तो फिर चलो, फिर मिलते हैं। गाड़ी में सबसे अच्छा लगता है भाई, एक तो पिकअप तो है ये इस गाड़ी में, और अगर हम इसको अगर थोड़ा तेज भगाते हैं तो इसकी ऑटोमेटिकली जो सॉन्ग्स है उसकी आवाज़ जो वो तेज़ हो जाती है। ये बहुत यूनिक फीचर लगा मुझे इस टाटा में। अब ये सिर्फ टाटा टिगोर में आती है या फिर टाटा की सारी गाड़ियों में आती है टॉप मॉडल में, ये मुझे नहीं पता। बट लुक्स कुछ भी कहो भाई, टाटा तो टाटा है भाई। लग रहा है कि उस एक्सयूवी की किसी ने गाड़ी वाड़ी साफ करी है। तो वाइपर पीछे का बंद करना भूल गया है भाई बंदा, कुछ भी कहो। तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं, रेड लाइट पे हैं हम, बस खड़े, बस एक ग्रीन होगी और हम चलेंगे। तो देखते हैं, इसमें एक दो वायर भी अंदर की हो रही है, मैंने डैश कैम लगवाया था तो उसकी वायर भी बाहर हो रखी है, आप देख सकते हैं। भाई संडे है आज और इतनी भीड़ है भाई कि मैंने गाड़ी जो है रोड पे लगा रखी है और लाइन लगी हुई है भाई। जैसे लग रहा हो कि पत्नी क्या मेला चल रहा हो, मतलब क्या ही गए भाई यार, इतनी भीड़। जबकि अभी सिर्फ 10:19 हुआ, आप देख सकते हैं, और इतनी लाइन बाहर तक पहली लग चुकी है। बाकी अंदर जाने के बाद देखते हैं कितनी गाड़ियाँ हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। भाई गाड़ियाँ अंदर लेके आ चुका हूँ मैं अपनी, बाकी मैं जा रहा हूँ अपने एडवाइज़र से मिलने के लिए, वो काफ़ी पुराने दोस्त हैं। तो फिर मिलते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं। इतनी गंदी हो रखी है, मतलब ले रखी है भाई गाड़ी की तगड़ी तरह से। ऑफ रोडिंग करी थी इससे भी कुछ दिन पहले, भाई देख सकते हो ड्रैग रेस वगैरह हम करते रहते हैं इससे, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। ये अभी वॉशिंग के लिए जाएगी, तो अभी वॉशिंग का उतना नंबर है, आप देख सकते हो। आप गाड़ी मेरी अंदर आ चुकी है, अभी इसका नोट डाउन वगैरह हो रहा है कि क्या क्या होना है। अभी थोड़ा सा बिजी है, तो फिर उन्होंने कहा कि 5 मिनट का टाइम मांगा है मेरे से, फिर क्या क्या इसमें हो रहा है थर्ड सर्विस में, फिर मैं वो आपको बताने वाला हूँ। सेकेंड सर्विस जो हुई थी वो यहाँ हुई थी, आप देख सकते, ये सारा हटवा दिया इन्होंने पैनल,
एक गाड़ी बस टांग रखी है, बाकी तो यहाँ पे पहले यहाँ पे बॉडी शॉप था, वो बॉडी शॉप बंद हो गया सेक्टर 18 में, आगे देखते हैं। तो जो थर्ड सर्विस का एस्टिमेट आया वो 5700 आया। इन्होंने तो बहुत चीज़ें बढ़ा के दिखा दी थी, बट मुझको जो चीज़ लगा कि थर्ड सर्विस में चेंज होना चाहिए वो होगा, जैसे इंजन ऑयल, एयर फिल्टर वगैरह कह रहे थे क्लीन हो जाएगा, एयर फिल्टर और एसी फिल्टर जो है कह रहे क्लीन हो जाएगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, चेंज कर देना, बाकी वो उन्होंने बोल दिया कि कंडीशन पर वो देख लेंगे, बाकी लुब्रिकेशन है, अलाइनमेंट से और ब्रेक एंड कैलिपर ग्रीसिंग है, तो यही बस हो रहा है इस गाड़ी में। बाकी अलाइनमेंट के इन्होंने 1500 रुपये की जोड़ दिए हैं, बाकी सर्विस हो रही है, बाकी देखते हैं आगे। इंजन ऑयल चेक कर रहा है भाई, कितनी इंजन ऑयल है, कितनी है इसमें, पूरा है इंजन ऑयल 15700 चलने के बाद ही पूरा है। सही है भाई यार, ये तो भाई देख रहे हो 15700 चलने के बाद भी इंजन ऑयल भाई कह रहा पूरा है, मतलब कंडीशन कैसी है इंजन ऑयल की? कंडीशन सही है, कंडीशन सही है। भाई का नाम क्या हुआ? बप्पी, बप्पी भाई, भाई बप्पी ने बोला है, बप्पी भाई ने कि इंजन ऑयल की कंडीशन भी बिल्कुल बढ़िया है। तो भाई ये तो फिर 30,000 किलोमीटर भी बंदा चला लेगा, है 30,000 इसी इंजन ऑयल में। तो भाई जो तो चल ही जाएगा, है चल जाएगा, चलाने को चल जाएगा, देख लो भाई कह रहा है कि चलाने को चल जाएगा। बाकी जो इसका रेगुलर जो सर्विस है वो तो 15,000 रुपये इंटरवल होती है, बाकी इंजन ऑयल की कंडीशन भी पूरी है और सही भी है इंजन ऑयल की कंडीशन। भाई देख रहे हो डस्टी कितना हो रखा है इंजन, ये भाई बैटरी के टर्मिनल खोल रहा है, आप देख सकते हैं ये टर्मिनल खोल रहा है भाई अभी, तो ये देख सकते हो आप टर्मिनल खुल चुका है गाड़ी का, बैटरी का। अब भाई एयर फिल्टर खोल रहा है, ये इसका एयर फिल्टर है, रखेंगे एयर फिल्टर की रखेंगे, ये आप देख सकते हैं, तो इसकी एक्टिंग साफ कर रहा है भाई। भाई से पूछते हैं कि ये एयर फिल्टर चल जाएगा नहीं चलेगा, तो ये एयर फिल्टर यही वाला चल जाएगा, ये चेंज करने की ज़रूरत है? चल जाएगा। तो भाई ने बोल दिया है कि ये एयर फिल्टर चल जाएगा, तो मतलब कितने किलोमीटर तक चल जाएगा ये नेक्स्ट सर्विस जो 30,000 की होगी उसमें चल जाएगा? हाँ, तो फिर जो अगली 7,500 की सर्विस होगी उस पर चेंज करवानी पड़ जाएगी। तो भाई ने बोला जो इसकी अगली फोर सर्विस होगी, जो इसका रेगुलर चेकअप होता है जनरल चेकअप, 7,500 पे फिर से होगा, 7,500 किलोमीटर के बाद 22,500 पे होगा, तो उस पर ये एयर फिल्टर चेंज करवानी पड़ेगी। तो जो उसमें नेक्स्ट एयर फिल्टर जो है चेंज करवाने के भाई ने बोला 30,000 किलोमीटर तक नहीं चल पाएगी, तो ये थी। तो भाई यहाँ पे मिट्टी साफ कर रहा है, बुलेट वगैरह पूरा हाँ फिलअप कर दिया, थोड़ी फिलअप कर दिया, थोड़ी डाल दी। तो भाई भाई पर फ्लूड लेने गया, अब भाई ने बोलिया बुलेट डाल देगा वो, थोड़ा सा ही कम है हल्का सा, आप देख सकते हैं जैसे। तो भाई वाटर फ्लूड लेके आ चुका है, ये भाई वाटर फ्लूड डाल रहा है, पानी लग रहा है भाई, ये तो पानी है ना, फ्लूड तो है ही, पानी पानी डाल रहा है भाई। तो ये एसी फिल्टर खोल रहा है भाई, तो ये देख सकते हो भाई एसी फिल्टर खोल रहा है अभी, ये भाई ने एसी फिल्टर खोल दिया है, आप देख सकते हैं ना बड़ा एसी फिल्टर है जाली वाला, ये भी क्लीन करके चल जाएगा है ना। हाँ, ये चेंज नहीं होता, ये क्लीन होता है, ये वाला क्लीन होता है। हाँ, नहीं जो अल्टो वगैरह में आती मारुति में उसकी तो चेंज होती है, वो सब चेंज होता है। अच्छा, वो कपड़े वाली होती है। हाँ, इस वजह से वो चेंज होता है, ये प्लास्टिक वाला है ना, जो एसी में घर की एसी में जो डलती है वही वाली है, ये तो ऐसी रहती होगी हमेशा साफ करके ये लगा देते होंगे, चेंज नहीं होती जल्दी, टूट जाता है तो चेंज होता है। अच्छा, जब टूट जाएगा तब चेंज होगा, ठीक है। भाई ने बोला है कि ये वाली जो है वो क्लीन करके लग जाती है, बोला है कि जो एसी फिल्टर है वो क्लीन कर हमेशा क्लीन ही होती है, इसकी चेंज नहीं होती, क्योंकि ये घर वाली जो एसी में जो नेट होता है उसी से बना हुआ है ये, तो ये बढ़िया बात है कि एसी फिल्टर के पैसे बचा करेंगे। बाकी भाई ने वही क्लीन करके वो लगा रहा है, तो भाई अब एसी फिल्टर को टाइट कर रहा है, लगा रहा है अंदर के, ये टाइट कर रहा है भाई एसी फिल्टर को,
इनर टर्मिनल जो है वो टाइट कर दिया है, देख सकते हो ये टाइट कर रहा है। हम नेगेटिव टर्मिनल खोल रहा है भाई, क्लीन कर रहा है, सर्विस की लाइट हटा रहा है, जो सर्विस की इंडिकेशन आई थी वो हटा रहा भाई ने। चलो हटा दी भाई ने सर्विस की लाइट, बाकी हम इसमें से अलाइनमेंट भी हटवा रहे हैं क्योंकि हम अलाइनमेंट बाहर करवा देंगे सबसे बढ़िया रहेगा, वैसे तो हो रखी है, बाकी फिर भी 1500 रुपये अलाइनमेंट के बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लिफ्ट पर गाड़ी चढ़ रही है, भाई लिफ्ट पे गाड़ी चढ़ा रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, टीन शेड है क्योंकि ये गाड़ी हमारी लिफ्ट पे चढ़ चुकी है, ये आप देख सकते हैं लिफ्ट पे, और इसके भी ब्रेक कैलिपर वगैरह जो है वो क्लीनिंग की जा रही है, देख सकते हैं। तो यही थी मेजर सर्विस, बाकी कितना कॉस्ट है क्या कॉस्ट है वो भी मैं आपको बता दूँगा थोड़ी देर। तो ये इसका ऑयल फिल्टर है जो कि 171 की MRP है, गोर की। ये ऑयल फिल्टर लग चुका है इसमें, भाई लगा रहा टाइट कर रहा है, आप चैम्बर की नट आप देख सकते हैं। बैक वाली जो है ब्रेक वो टाइट कर रहा है, तो आपको देख सकते हो कर रहा है आपको, ये हो गया आपकी सर्विस। ब्रेक की रियर वाली जो है उसकी सिलेंड्रिक क्लीनिंग हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है, उसके लिए सॉरी, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो भाई अपनी सर्विस हो चुकी है और बज रहे 4:41, मतलब कि यार कितना टाइम लग गया आप देख सकते हैं। जो इसका बिल आया वो भी बहुत कम आया, 3000 के अंदर अंदर ही आ गया मेरा बिल, क्योंकि नॉर्मल सर्विस थी मेरी, तो मुझे पता था कि मेरी गाड़ी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो भाई कुछ भी कहो, पहले से तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई गाड़ी, जो इसकी थर्ड सर्विस जो हुई है पहले से ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही स्मूथ हो गई है मतलब, और पिकअप भी थोड़ा सा इनहेंस हुआ है, ये चीज़ तो हो गई है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में पहले के मुकाबले। और इसमें पेट्रोल बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने पेट्रोल डलवाई और CNG डलवाई है, तो अब हम अपने चल रहे हैं घर को। भाई एक सीन हो गया, मुझे लगा कि मैंने अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो मैंने स्वाइप करवाया था अभी,
क्योंकि फ्यूल डलवाया था तो वो मैं लेना भूल गया, तो मुझे अचानक ही ध्यान आया कि मैं लेना भूल गया, तो फिर देखा मैंने जेब वगैरह तो जेब में मिला मुझे, मुझे लगा कि मैंने वॉलेट में रख दिया, तो ऐसा इंसिडेंट हो गया थोड़ा सा मेरे साथ। चलो कोई नहीं, होता रहता है यार। तो फाइनली भाई मैं घर पहुंच चुका हूं और बहुत ज़्यादा थक चुका हूं। तो भाई टाटा वाले इतने लंबे लंबे टाइम पे सर्विस करवाएंगे, इतने 6-6 घंटे लेंगे, फिर तो हो लिया भाई थर्ड सर्विस में। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।